नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स के स्पेशल बुलेटिन हेल्थ एंड फिटनेस में। पीरियड क्रैम्प्स, पीरियड्स के दौरान कई फीमेल्स को दर्द होता है। कुछ लोगों में ये पेन हल्का होता है तो कुछ इन क्रैम्प्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते। दर्द में ज्यादातर लोग पेन किलर नहीं लेना चाहते, ऐसे में वो कोई घरेलू उपचार खोजते हैं या फिर दर्द बर्दाश्त करना आखिरी ऑप्शन है। कभी कभी ये दर्द इतना तेज होता है उल्टी के साथ सिर भी चकराने लगता है। अगर आप भी इस दर्द का इलाज खोज रहे हैं तो आपके लिए यहाँ कुछ आयुर्वेदिक उपचार हैं। इन्हें अपने रूटीन में शामिल करने पर दर्द धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। हल्का फुल्का पीरियड पेन ज्यादातर महिलाओं को होता है, वहीं कुछ लोगों को दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता। अगर दर्द बर्दाश्त से बाहर है और हैवी फ्लो है तो एंड्रोमेट्रियोसिस, फाइब्राइट, एडिनोमायोसिस जैसी वजहें भी हो सकती हैं। वहीं नॉर्मल दर्द में आप इन चीजों को करके दर्द से राहत पा सकते हैं। सूरज उगने से पहले जागें, सूरज उगने के बाद नाश्ता करें और सूरज डूबने के एक घंटे के अंदर या पहले डिनर कर लें। इससे आपके हॉर्मोन्स का संतुलन सही रहता है। सुबह उठकर चाय कॉफी की जगह ये ड्राई फ्रूट्स और नट्स लें। 5 भीगी किशमिश, 4 भीगे बादाम, 2 अखरोट और 1 खजूर या अंजीर। साथ ही रोजाना ध्यान लगाएं, प्राणायाम करें और योग करें। एक्टिव रहें ताकि कमर के आसपास आपका सर्कुलेशन ठीक रहे। पीरियड्स के दौरान अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम और वर्जासन, बालासन, भद्रासन, शवासन करें। मेंटली और फिजिकली रेस्ट लें। पीरियड्स में है तो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज पीरियड्स के दौरान खूब पानी भी पीना चाहिए। आप फ्लेवर्ड मिनरल वाटर भी ले सकते हैं। पानी आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इसके साथ ही आपके लिए अजवाइन सौंफ मिंट से बनी टी इस वक्त में काफ़ी आराम पहुंचा सकती है। आप दालचीनी को उबालकर इसका पानी भी पी सकती हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।